अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपैरिजन वीडियो। एक है हमारे पास सी जी 125 क्लासिक 2025 मॉडल और एक है हमारे पास सी जी 125 गोल्ड एडिशन 2025 मॉडल। तो कंपनी ने गोल्ड एडिशन 2024 में लॉन्च किया था। ऑफिशियली कंपनी ने 2025 मॉडल इसका मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो हम बात करेंगे इनकी आउटर बॉडीज़ की, इनमें आउटर बॉडीज़ में क्या डिफरेंस है, एंड बात करेंगे इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 22 की फ्रंट प्रोफाइल से। तो दिखने में इन दोनों 22 की फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, इनमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आते। बट यहाँ पर जो चेंजेस वो ये हैं कि इसका फ्रंट एम्बलम यहाँ पर सिल्वर टच के साथ है, और यहाँ पर अगर हम गोल्ड एडिशन की बात करें तो यहाँ पर इसका जो एम्बलम है वो गोल्डन टच के साथ है। इसमें जो टायर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं 2.50 का टायर इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं विद स्पोक्स, एंड सेम इसी में 2.50 का टायर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया विद स्पोक्स। एंड यहाँ पे 2024 मॉडल में यहाँ पे डिफ्लेक्टर आया करता था। अब कंपनी ने दोनों मॉडल्स में गोल्ड एडिशन एंड क्लासिक में डिफ्लेक्टर इसके फ्रंट शॉक्स के साथ अटैच कर दिया है। एंड आप देख सकते हैं। एंड इसमें दोनों बाइक के फ्रंट प्रोफाइल में एक और चेंज नज़र आता है, वो ये है कि इनके फ्रंट इंडिकेटर्स जो हमारे पास 2025 मॉडल क्लासिक एडिशन है, यहाँ पे इसके जो इशारे हैं वो जो हमारे पास एज़ यूजुअल ऑरेंज कलर के आ रहे हैं वही सेम है। एंड जो हमारे पास गोल्ड एडिशन है इसमें कंपनी ने चेंजेस किए हैं, इसके जो लेंसेज हैं इनको वाइट कलर में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जब ये चलते हैं इनकी लाइट बिल्कुल सेम है, बट इनका लेंस को वाइट कलर में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इनके फ्रंट प्रोफाइल में दो तीन चेंजेस हैं। उसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज ये है कि इनके फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स, हमारे पास 2025 मॉडल सी जी 125 क्लासिक इसके फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स एंड 2025 मॉडल गोल्ड एडिशन के ग्राफिक्स, इनकी कलर कम्बिनेशन अपनी है। अगर हम बात करें सी जी 125 क्लासिक की, जो इसके कलर कम्बिनेशन है वो नियॉन ब्लू वाइट ग्रे का कम्बिनेशन है, और यहाँ पे सी जी 125 की बाइजिंग मौजूद है एंड यहाँ पे रेसिंग फ्लैग की कम्बिनेशन मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके सी जी 125 गोल्ड एडिशन के बारे में, तो क्योंकि ये बाइक एक गोल्ड एडिशन है, जो इसके जो साइड कवर इसके फ्यूल टैंक ग्राफिक्स टोटली गोल्ड कलर में है। यहाँ पे 2024 मॉडल में यहाँ पे गोल्ड एडिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था, इसको 2025 मॉडल में यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे फ्यूल टैंक के एब्लम के नीचे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, क्योंकि इसके भी 2025 मॉडल में इसके ग्राफिक्स को चेंज किया गया है। एंड रेसिंग फ्लैग का एडिशन इस बाइक में भी किया गया है। एंड इस जो कि जबकि हमारे पास सी जी 125 क्लासिक ये बॉडी कलर में इसका साइड कवर है, और हमारे पास जो सी जी 125 गोल्ड एडिशन है इसका जो साइड कवर है टोटली गोल्डन में है। अगर हम बात करें इनकी रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर प्रोफाइल इन दोनों बाइक्स की ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई एडिशनल डिफ्लेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए, सेम लाइट सेम इंडिकेटर्स हैं। जस्ट हमारे पास सी जी 125 गोल्ड एडिशन के जो इंडिकेटर हैं वो वाइट में है, एंड यहाँ पे सी जी 125 क्लासिक के जो इंडिकेटर हैं वो ऑरेंज कलर में है। अगर हम बात करें इनके स्विंग आर्म की, तो सी जी 125 का जो स्विंग आर्म जिसे हम चिमटा बोलते हैं वो चेंज है, एंड सी जी 125 का क्लासिक वही सेम पुराने वाला हमारे पास आ रहा है। अगर हम बात करें इनकी चेन कवर्स की, जो इसका चेन कवर है वो छोटा है। अगर हम बात करें सी जी 125 गोल्ड एडिशन के चेन कवर की, जो इसका चेन कवर है उसका साइज़ एंड फिटिंग उसमें भी डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों बाइक्स के ड्राइवर चेन का डिफरेंस है, इन दोनों बाइक्स के ग्रैविटी सेट का फ़र्क है, इसलिए इनके चेन कवर का भी फ़र्क है। अगर हम बात करें इनके रेयर व्हील की, जो इनका रेयर व्हील है उसमें 317 का टायर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, दोनों बाइक्स का टायर का साइज़ सेम है। अगर हम बात करें इनकी रेयर हब की, तो जो सी जी 125 गोल्ड है इसकी रेयर एंड फ्रंट हब बड़ी है, इसमें जो लेदर है वो बड़ा डलता है। अगर हम बात करें सी जी 125 क्लासिक की, इसकी फ्रंट हब बड़ी है एंड जो इसकी रेयर हब है वो छोटी है, इसमें जो लेदर डलता है वो सी डी 70 वाला लेदर डलता है इसमें। एंड दोनों बाइक्स के शॉक्स का कम्फर्ट बिल्कुल सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है किए गए हैं। इस पर अगर हम बात करें इन दोनों बाइक्स की सीट की, तो इन दोनों बाइक्स की सीट का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, नीचे सीट की सीटिंग फ्रेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। 2024 मॉडल में कंपनी ने अपनी तमाम सी जी 125 में सीट को चेंज किया था, इनकी कुशनिंग को बढ़ाया गया था। और अगर हम बात करें दोनों बाइक्स के हैंडल बार की, जो हमारे पास सी जी 125 क्लासिक है, जो हमारे पास इसका पुराना हैंडल बार चलता हुआ आ रहा है, वही सेम स्विच असेंबलीज, यहाँ पे लाइट हाई एंड लो का बटन, यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर्स का बटन, यहाँ पे हॉर्न का बटन मौजूद है, और यहाँ पे इसमें कोई सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें इसके स्पीडोमीटर की, तो इसका स्पीडोमीटर भी हमारे पास 2025 मॉडल 24 मॉडल में चेंज हुआ था, एज यूजल वही सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगर हम बात करें इसके सी जी 125 गोल्ड एडिशन की, तो इसकी स्विचेस में डिफरेंस है।
एंड इसकी स्विचेस जो हमारे पास CB125F4 वाले स्विचेस इसमें इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, क्योंकि इसके टर्निंग इंडिकेटर्स के बटन में डिफरेंस है, हॉर्न के बटन में डिफरेंस है, लाइट एंड हाई लो के बटन में डिफरेंस है। उसके अलावा यहाँ पे इसमें सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मौजूद है, जबकि CG125 क्लासिक में कोई सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मौजूद नहीं, जस्ट किक स्टार्टर की ऑप्शन इसमें मौजूद है। अगर हम बात करें इसके स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर सेम ही है ऑलमोस्ट, जस्ट के ग्राफिक्स का डिफरेंट है, क्योंकि एक बाइक गोल्ड एडिशन है, तो इसकी जो थीम है इसको गोल्ड, इसके आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो गोल्डनेस आपको इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है। जबकि हमारे पास CG125 क्लासिक है, इसका मीटर बिल्कुल सेम है, डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, जिसकी थीम को चेंज किया गया है। अगर हम बात करें इसके क्लच लीवर की, जो CG125 गोल्ड एडिशन है, इसका क्लच लीवर बड़ा है एंड इसका ब्रेक लीवर छोटा है, जबकि CG125 के ब्रेक एंड क्लच लीवर दोनों सेम साइज़ के हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि इनकी क्लच केबल्स में भी डिफरेंस है, क्योंकि CG125 गोल्डन एडिशन को जो क्लच केबल CB125F के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जबकि CG125 क्लासिक जो हमारे पास नॉर्मल की क्लच केबल आ रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दोनों बाइक्स की ऑटो लुक्स ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़े इसमें चेंजेस हैं। इसका फ्रंट एम्बलम, शॉक्स का डिफ्लेक्टर, इसकी स्पीडोमीटर की थीम, फ्यूल टैंक के ग्राफिक्स एंड फ्रंट एंड रेयर हब में डिफरेंसेस हैं। दोनों बाइक्स हमारे पास यहाँ पे 2025 मॉडल मौजूद हैं, CG125 क्लासिक और CG125 गोल्ड एडिशन। अगर हम बात करें इन दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में, तो इन दोनों बाइक्स के जो इंजन है 125cc हैं, बट इनके ड्राइवर जेन, गियर, ट्रांसमिशन, इनमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, तो वह भी आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इनके हेड सिलेंडर से। कंपनी ने 2024 मॉडल में CG125 एंड CG125 क्लासिक के हेड सिलेंडर में जो रिंग पिस्टन यूज़ किया गया, इन दोनों को ऑलमोस्ट सेम कर दिया था। इनके वॉल्व चेंज किए थे, इनके 5 की स्पीड को बढ़ाया गया था। अब इन दोनों बाइक्स की जो ड्राइवर चेन है, जिसे हम चेन गरारी सेट बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस है। CG125 गोल्डन की जो चेन गरारी सेट है, उसकी फ्रंट और रियर गरारी बड़ी है, इसकी चेन का साइज़ भी बड़ा है, जबकि उसके चेन कवर का साइज़ भी बड़ा है, जो कि हमारे पास नॉर्मल CG125 क्लासिक है, इसकी ड्राइवर चेन छोटी है, इसके चेन कवर का साइज़ भी छोटा है, इसकी पीछे वाली गरारी बड़ी है, जबकि अगली वाली गरारी छोटी है। उसके अलावा अगर बात करें दोनों बाइक्स की क्रैंक शॉफ्ट की, तो इन दोनों के बाइक्स की क्रैंक शॉफ्ट में भी डिफरेंस है, एंड क्योंकि ये हमारे पास 5-speed बाइक है और ये हमारे पास 4-speed बाइक है, इसकी ट्रांसमिशन में भी डिफरेंस है, इनके गियर बॉक्स में भी डिफरेंस है, इनकी क्लच प्लेट्स में भी डिफरेंस है। अगर हम बात करें इनकी हॉर्स पावर की, जो इस बाइक दोनों बाइक्स की हॉर्स पावर सेम है, 11 हॉर्स पावर ये बाइक दोनों प्रोड्यूस करते हैं, जबकि दोनों 8500 RPM पे सेम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं। जबकि अगर टॉर्क की बात करें, तो CG125 की टॉर्क ज़्यादा है, 9.5 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 75,000 RPM में बाइक प्रोड्यूस करता है, जबकि CG125 क्लासिक इसकी टॉर्क 0.9.0 है, जो कि 7500 RPM में बाइक प्रोड्यूस करता है। जो दोनों बाइक की टॉर्क स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। जो इन दोनों बाइक्स का साउंड है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर हम बात करें इसके साइलेंसर्स की, तो यहाँ पे इस पे जो क्रोम की स्ट्रैप आती है, जो हमारे पास CG125 क्लासिक है, इसमें क्रोम की है, जबकि हमारे पास जो CG125 गोल्डन है, उसकी जो साइलेंसर वाली स्ट्रैप है वो गोल्डन कलर की है। तो दोनों बाइक्स के साउंड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में CG125 वाला इंजन यूज़ किया गया है, और CG125 क्लासिक में थोड़ा बहुत CB125F से इसकी स्पेसिफिकेशन मिलती जुलती हैं, क्योंकि ये 5-speed बाइक है और हमारे पास CG125 क्लासिक है 4-speed बाइक है। अगर हम बात करें दोनों बाइक्स के प्राइसेस के बारे में, जो हमारे पास CG125 क्लासिक 2025 मॉडल है, जो इसकी इनवॉइस प्राइस है वो 2,35,000 है, जबकि जो हमारे पास CG125 गोल्ड एडिशन 2025 मॉडल, जो इसकी इनवॉइस प्राइस है 2,93,000 है, क्योंकि ऑलमोस्ट लिटल बिल 50,000 से 55,000 का दोनों बाइक्स के प्राइसेस में डिफरेंस है, बट आपको CG125 गोल्ड एडिशन में फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। फीचर्स वो कैसे, एक तो इसमें 5-speed है, इसके इंजन में वाइब्रेशंस नहीं है, इसका ब्रेक सिस्टम अच्छा है, इसमें सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि CG125 क्लासिक में एक तो छोटी वो इसकी जो कंप्लेन है, इसमें वाइब्रेशंस हैं, इसमें सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी लुक्स ज़्यादा स्पोर्टी हैं, क्योंकि इसकी गोल्डन जो थीम है वो CG125 से ज़्यादा अट्रैक्ट देती है। दोनों बाइक्स ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। सो व्यूअर, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
अगले व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।